आओ दर्दानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। So hello, what's up guys, welcome back to another reaction video. मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि's वर्ल्ड में। आई होप गाइज आप सब होंगे बहुत अच्छे रहेंगे अपनी फैमिली का ख्याल। तो बहुत दिनों के बाद हम आ चुके हैं दोबारा आप सबकी फेवरेट गानों के ऊपर रिएक्शन लेके। यार मैं भाई की शादी है तो रेगुलर वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि अगर हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे रिएक्शन तो क्या हम ब्लॉग डालें, क्योंकि हम ब्लॉग डालेंगे तो हम दिखते रहेंगे और आप हमको महसूस कर पाओगे, आप हमारे को देख पाओगे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर पाओगे। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताना। तो आज हम एक नए गाने के ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं। गाना है वन एंड ओनली एमी वे बंटाए का और गाने का नाम है स्टिल नंबर वन, क्योंकि बहुत ज्यादा मम्मी ट्रेंडिंग है और लोग पागल हो रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि एमी वे बंटाए जब भी कोई गाना गाता है ना तो वो बहुत खतरनाक गाना गाता है। तो मैं तो पहले गाना सुनने वाला हूँ और मम्मी का रिएक्शन देखने वाला हूँ। मम्मी का बहुत फेवरेट एमी वे बंटाए, तो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगी कि वो ये कहता है कि मैं नंबर वन पे हूँ, तो हमारी नजर में तो हमेशा नंबर वन पे ही था, नंबर वन पे है और नंबर वन पे रहेगा, नंबर वन पे रहेगा। वो बहुत इतने अच्छे बोलता है, इतनी अच्छी बात वो बताता है, सेंस वाले रैप करता है, बिल्कुल रैप ऐसे बाहर की वो रैपिंग नहीं करता, वो इंडियन रैपिंग करता है कि उसे पता चले कि उसके कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे वो एग्जैक्टली अपनी कहानियां ब्याह करता है, कहानी बताता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नंबर वन पे तो हमारा है और रहेगा हमेशा ही। तो चले बिल्कुल, तो गाने पे चलने से पहले बताओ तो जो हमारे चैनल पे पहली बार आया उन्होंने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबाना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहां से देख रहे हो, ऐसे और भी गानों के ऊपर रिएक्शन चाहते हो आप तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देखें हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। न्यूज़पेपर के ऊपर है स्टिल नंबर वन, बाहर की शूटिंग लग रही है। भर के देगा तो पड़े ठंड, बाल पटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड, डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ स्टॉप फाइव एंड आई एम स्टिल नंबर वन। डिस भर के देगा तो पड़े ठंड, बाल पटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड, डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ स्टॉप फाइव एंड आई एम स्टिल नंबर वन। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, वापस ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा बारहवीं फेल, रखू हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू, क्या समझा बात, कान पटी दिया आरबर फटी ऐसे कन्फेटी, स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी, मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बनी, या नाइस या नाइस, करे मुझे डिस मिला फेम फिर भी ये कर रहे मुझे डिस, दे रहे मुझे सब्स तभी बड़े इनके सब्स, पूरी लाइफ मेरे नाम बेड़ा मूवी लिखेगी। हाँ बंटा जब ही देता तो फिर दुखता कैसा, कछुए इनके गाने गांडू लिखता कैसा, नाम लेके आओ रे पब्लिक को मालूम है बंटा है, घुसता कैसा कोई नहीं बसता ऐसा, हाल करके छोड़ता पूछो आपको कैसा, दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा, अगर दिखा रहा तो दिखा गांडू असली कैसा, सब मेरे जैसा गांड फट्टी के एमी वे बोलने ऐसा, सालों बाद महीनों बाद आते ये खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया कुछ पैसा, मेरे को काई का चिंता ये लोग खर्चा गिनता, उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिंटा, कौन बड़े बड़े लोग सब बड़ी बड़ी ब्रो, सबसे बड़ा मेरा रब उससे बड़ा कोई नहीं, तेरे पे अच्छा हुआ डायरेक्ट शॉट नहीं लिया तूने मेरे पे, पैरों पे पायल लगा हाथों पे चूड़ी, घुमा के क्या बात करता रे पचास की पूरी, सेम भर के देगा तो पड़े ठंड, बाल पटे कोल्ड होगा जाम इनका लो, डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ स्टॉप फाइव एंड आई एम स्टिल नंबर वन। डिस सेम भर के देगा तो पड़े ठंड, बाल पटे कोल्ड होगा जाम इनका लो, डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ स्टॉप फाइव एंड आई एम स्टिल नंबर वन। ऑफ लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी, फरवरी भर भरी भर सरी सर जरी नर सरी बोग लरी कर सरी पर जरी, राइम वेव से राइम डाबो दूंगा सीधा बर, ये जो कर रहा हूँ खुद के लिए, और कर रहा हूँ जो नहीं खेलना देखना चाहते उनके लिए, हम उनमें से नहीं है जो बातें बातें सुन के लिए, जो उड़ता तीर लेगा ये गाना बस सुन के लिए, दिमाग में नहीं मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं, सबसे ऊंचा हूँ जैसे कुवैती करेंसी, तू एथियस्ट करंटली बोला गाने में हॉनेस्टली, इसलिए इनका हाल भी होगा जैसे फेरॉन, ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना फॉरन, मैं फॉरन नहीं बदल डाला इंडिया का वाइब, इंडिया से पेश कर रहा भारत का स्टाइल, बोले क्रिप वॉक नहीं सीधा ट्रिप वॉक, बंटा बच्ची के बिना कैसे बड़ा होता था हिप हॉप, ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है JC फिर भी बना डाला ब्लूप्रिंट, मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग, बीफ मतलब वॉर दूजे से व्लादिमीर पुतिन,
ये फ्लेक्स करे पैसा, मैं भर रहा इनका वॉलेट। मैं फेमस हुआ जब ये बचकारे पढ़ रहे थे कॉलेज, और कुछ रैप करे जब से दबे स्कूल में। फिर भी कुछ उखाड़ा नहीं बिठना है बेफजूल में, मुझसे भिड़ने का कोई वजह दो, इनके बार्स टाइट बैठते नहीं, सीट बेल्ट और जगा दो। मेरे सामने सारे फीके लगे भगा ब्रो, ख्यालों में है सारे, ये जाके इन्हें जगा दो। और बता दो मैं आया नहीं कम्पीट करने, मेरे ऐसे 10 लगेंगे मुझे बीट करने। लॉयल टू माय फैंस, आया नहीं मैं चीट करने, पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने। डिसम भर के देगा तो पड़े ठंड, पड़े कोल्ड होगा जाम इनका लो। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। डिसम भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स पड़े कोल्ड होगा जाम इनका लो। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। ये छोड़िए बोला थी मुझे गुड बॉय, छोड़ी के लेवन गया मैं गुड बॉय, रुक ले गया रो गुड बॉय भी ले गया रे ले भोजन लाला। चल भाई साहब खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैं क्या बोलूँ यार, रियलिटी मैंने नहीं सुना था ये गाना, क्योंकि मैं अपने घर में इतना बिजी हूँ भाई की शादी के चक्कर में। तो मेरे को पता था एमी वे बंटाई का गाना आ रहा है, टाइम ही लग रहा था। मैंने कहा बैठेंगे साथ में, रिएक्शन ज़रूर करेंगे, और ये भी प्लान कर रहा था कि ब्लॉक करेंगे। तो भाई बहुत खतरनाक, मतलब एमी वे बंटाई ने ना फाड़ दिया भाई बंदे ने। भाई जिसको डिस कराए ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अंदर की स्टोरी क्या चल रही है मुझे नहीं पता। बाकी गुड बॉय वाली चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ कि किसको बोली होगी, बादशाह को शायद बोली होगी, बट बीच में इन्होंने किसी को डिस करा वो मुझे नहीं पता किस लिए करा। बाकी भाई बहुत खतरनाक, बहुत सेंसिबल कह सकते हैं रैप है, और इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब इसने बोल दिया जब तुम स्कूल में थे तब तुम्हारा बाप कॉलेज में था बेटे, और ये भी बात बोल दी कि तुम्हारे भाई की ज़िंदगी इस तरीके से टॉप नॉच चल रही है, एक दिन मूवी बनेगी मेरी ज़िंदगी पे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। और बहुत फाड़ू गाना लिखा, एकदम केलेट यार, मतलब मज़ा आ गया। बट भाई थोड़ी गालियाँ कम दिया करो, मुझे पता नहीं था इसमें गालियाँ और मम्मी सुन रही है। चलो ठीक है, देखो अंडरग्राउंड रैपिंग और ये जो रैप है ना, इसके अंदर जो गालियाँ देते हैं ना, उसमें बेसिकली वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये एक कल्चर है, तो हम इस कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। और बाकी भाई गाना तो बहुत ज़बरदस्त, रैप अल्टीमेट, और एमी वे बंटाई की पब्लिक और एमी वे बंटाई खतरनाक। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ सबसे अच्छी बात मैं यही कहूँगी कि उसने कहा ना कि मेरे सब रब है, तो मैं उसकी बात से बहुत सहमत हूँ कि जिसके पास भगवान होता है, जिसका भगवान होता है, उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं, अपना इतिहास नहीं भूलता है बंदा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके पास रब होता है तो उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो थोड़ी बहुत वो गाली गलौज देता है तो चलो चलती है, वो भी हमारा बच्चा है। तो अगर हम मैं रैप करने बैठी हूँ तो वैसे मैं रैप नहीं करती इस, तो रिएक्शन नहीं करती इस गाने के ऊपर। मैंने कहा रैप मम्मी कब से करने लगी? रिएक्शन नहीं करती मैं इस गाने पर मैंने ये जब देखा ना कि इसने थोड़ी सी वो गाली गलौज करी है, तो कोई बात नहीं, आजकल का ये कल्चर है ये। और अगर आपने गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो बात वो करता है सच्चाई करता, सच्चाई पे लिखता है। सच्चा आदमी गाली नहीं देगा तो और क्या देगा, सच्चाई है। मैं वो सच्चा आदमी है, और सीधे बंदों की दुनिया भी नहीं है भाई, सीधे बंदों की। हमने अपने मतलब अपनी जिंदगी में बहुत सीधे बंदे देखे हैं। अगर जंगल में कोई सीधा पेड़ आएगा तो सबसे पहले वो ही कटेगा। ओ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ खतरनाक, अगर वो एमी बंटाई का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सही है। चलो यार, आई होप गाइज आपको ये गाना लगा होगा बहुत खतरनाक, हमारा रिएक्शन लगा होगा 1% अच्छा। और अगर आप लोग में मिस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मिस यू जरूर लिखना, और ये जरूर बताना कि हम अगर रेगुलर रिएक्शन नहीं डाल पाए तो अगर हम ब्लॉग डालें तो आप क्या हमारे ब्लॉग देखना चाहोगे। अगर आप कहोगे यस तो मैं आपको पूरी वीडियोज दिखाऊंगा अब से लेके भाई की शादी तक, कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या डेली हम ब्लॉग डाल रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो और हमारा रिएक्शन एक्सपेंड भी अच्छा लगा हो, तो बिना किसी कंफ्यूजन के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और आप ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, और ऐसे और भी गानों के रिएक्शन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।